हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो जो कि पैराग्राफ डीआई के ऊपर होगा। इसको केसलेट्स डीआई के नाम से भी जानते हैं। इसमें पैराग्राफ गिवन रहता है, उस पैराग्राफ के आधार पे आपको टेबल बनानी रहती है, मतलब पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर आपको खुद से ही फिल करनी रहती है। उसके बाद फिर आपसे उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसका आंसर देना होता है। तो इतना लंबा इसका प्रोसीजर होता है, इस वजह से अगर सिंपल क्वेश्चन भी रहता है तो इसमें टाइम लग जाता है। हम यहाँ पे जो प्रॉब्लम देखेंगे वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो चाहे एसबीआई पीओ का एग्ज़ाम हो, क्लर्क का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो प्री हो या चाहे मेंस हो, उसमें आता ही आता है। अगर आपको मेरिट में ऊपर आना है तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस करने भी आने चाहिए। ओके, तो चलिए देखते हैं। आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब ये जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें जो बेसिक पार्ट है वो बहुत थोड़ा सा है, मतलब इन्फॉर्मेशन वाला जो पार्ट है। उसके बाद सारी कंडीशंस ही हैं, उस कंडीशन को ले करके हमको इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि दो कंपनियाँ हैं, पी और एस, जो कि तीन प्रोडक्ट बना ये बेचती हैं, और ये जो तीनों प्रोडक्ट हैं इनके नाम हैं, मतलब ये तीन प्रोडक्ट कौन कौन से, मोबाइल, लैपटॉप और स्पीकर। और ये जो बेचे गए प्रोडक्ट्स हैं ये 3 सालों में हैं, और ये 3 साल कौन कौन से हैं, 2015, 17 और 2019। तो ये आपको जो टेबल बनानी है इन सारी इन्फॉर्मेशन को लेकर के बनानी है। मतलब आपके सामने दो कंपनियां होंगी, पी और एस, और ये दोनों कंपनियां तीन तीन प्रोडक्ट यहाँ पे बेच रही हैं, मोबाइल, लैपटॉप, स्पीकर, मोबाइल, लैपटॉप और स्पीकर। और ये कब बेच रही हैं, 3 अलग अलग सालों का जो इनका डेटा दिया गया है, मतलब 2015 का, 17 का और 19 का। आपको यही टेबल फिल करनी है। अगर ये फिल हो जाती है टेबल तो आपके लिए क्वेश्चन थोड़ा आसान रहते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अब हम यहाँ पे आते हैं, अब कंडीशन के ऊपर आते हैं। यहाँ पे टेबल बना रखी है, मैंने आपको दिख रहा है कंडीशन। हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है द रेशियो ऑफ मोबाइल, लैपटॉप एंड स्पीकर सोल्ड बाई पी इन 2017 इज 32:39:41। कह रहे हैं कि 2017 में पी ने जितने मोबाइल, लैपटॉप और स्पीकर बेचे उनका रेशियो दिया गया है। ये रेशियो कितना है, ये है 32 और यहाँ पे है 39, और ये कितना है, तो ये है 41। ओके, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे हम ऐसे नहीं लिख सकते क्योंकि ये नंबर नहीं है, ये रेशियो है। तो रेशियो को अगर हमको नंबर की तरह रिप्रेजेंट करना होता है तो हमको किसी ना किसी वेरिएबल से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा। जनरली एक्स से करते हैं, आप किसी से भी कर लीजिए। मान लीजिए हम ए से कर लेते हैं, हम इसको 31 ए लिख दें, ये 39 है और ये 41 ए, तो ये अब नंबर हो गया। अगर हमको ए की वैल्यू पता चल जाए तो हमको बस 32 में मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमको नंबर पता चल जाएगा। आगे लिखा हुआ है द रेशियो ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाय कंपनी पी इन 2015, 17 एंड 19 इज 15:13:11। कह रहे हैं कंपनी पी का ही यहाँ पे डेटा दिया गया है कि उसने लैपटॉप 3 सालों में जो बेचे हैं उसका रेशियो है 15, 13 और 11 का। तो ये हो गया 15। ओके, अब यहाँ पे हम जो कोफिशियंट साथ में लेना है यहाँ पे मल्टीपल के लिए वो हम ले लेते हैं बी। यहाँ पे अब देखिए क्या होगा कि यहाँ पे 39 ए था, तो अब यहाँ पे कितना है 13, तो 13 बी हम लिख लेते हैं, और यहाँ पे क्या आ जाएगा नीचे, ये 11 बी। अब देखिए यहाँ पे है क्या कि आपको इतने से समझ में आ रहा है कि जो लैपटॉप है इसका नंबर तो फिक्स होगा, इसके रेशियो में डिफरेंस हो सकता है क्योंकि यहाँ पे रेशियो अलग अलग नंबर से निकाला जाता है। ओके, मान लीजिए यहाँ पे नंबर ऐसे लिखा रहे 3, 12 और 18, तो इसका रेशियो क्या जाएगा 1:4:6। अगर यही नंबर दूसरे, मतलब यहाँ पे अगर कोई मल्टीपल हो, मान लीजिए 2 यहाँ पे मल्टीपल हो जाए, इसकी वैल्यू हो जाए, तो ये नंबर कितना हो जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा 8, और ये क्या हो जाएगा 12। लेकिन यहाँ पे रेशियो जो है वो कुछ और हो, मान लीजिए रेशियो कुछ इस तरीके से लिखा हो, यहाँ पे 2 लिखा हो, यहाँ पे मान लीजिए 6 लिखा हो, यहाँ पे 4 लिखा हो, और यहाँ पे लिखा हो 8। अब इसको अगर काटूँगा तो 1, यहाँ पे 2 और ये 4, 1, 2, 4 का ये आ गया। अब अगर यहाँ पे मल्टीपल इसका 4 हो तो इससे नंबर क्या प्राप्त होगा, 4, फिर ये 8, फिर ये 16। तो इनके बीच का नंबर सेम है, रेशियोज अलग हैं नंबर की वजह से। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, ऐसे छोटा सा एग्जांपल ऐसे दिया था। तो ये अगर आपको समझ में आ गया तो आपके लिए थोड़ा क्वेश्चन आसान हो सकता है। ए और बी की वैल्यू अगर आप निकाल लेते हैं तो 5 वैल्यूज़ आपको इससे पता चल जाएंगी। लेकिन यहाँ पे ए और बी की वैल्यू कैसे निकालना है वो आपको देखना होगा। आगे हम पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाय पी इन 2015 इज 24 मोर देन द नंबर ऑफ स्पीकर्स सोल्ड बाय पी इन 2017। ईयर का आपको ध्यान रखना है और यहाँ पे किस साल में क्या बेचा जा रहा है। तो यहाँ पे कंडीशन कह रहे हैं कि पी ने
2015 में जितने लैपटॉप्स बेचे थे, ओके 2015 में जितने लैपटॉप्स बेचे थे उनकी संख्या 24 ज़्यादा है पी ने जितने 2017 में स्पीकर बेचे थे। तो पी ने स्पीकर जितने बेचे होंगे अगर वो निकालूँ उसमें 24 और ऐड कर दूँ तो लैपटॉप की संख्या आ गई। आगे लिखा हुआ टोटल नंबर ऑफ मोबाइल्स लैपटॉप्स एंड स्पीकर सोल्ड बाय बोथ कंपनीज इन 2019 इज 460, 380 एंड 445 रेस्पेक्टिवली। यहाँ पे कह रहे हैं कि आपसे कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मोबाइल लैपटॉप और स्पीकर की अगर हम बात करें 2019 में जो कि कंपनी बी ने बेचे हैं, ओके यहाँ पे बोथ कंपनीज लिखा हुआ है, सोल्ड बाय बोथ कंपनीज, पी और एस दोनों ने मिल करके जो बेचे हैं तो उसकी संख्या लिखी हुई, जैसे मोबाइल दोनों कंपनियों ने मिलकर के कितना बेचा है तो वो लिखा हुआ है 460। तो इसको हम लिख लेते हैं कि 2019 का ये आंकड़ा है पी और एस दोनों को मिला करके, ओके यहाँ पे मोबाइल कितने बेचे गए हैं तो ये हैं 460, लैपटॉप कितने बेचे गए हैं 380 और स्पीकर कितने बेचे गए हैं तो इसकी संख्या है 445, ओके। अगली कंडीशन है नंबर ऑफ स्पीकर सोल्ड बाय एस इन 2017 एंड 19 इज सेम, यहाँ पे मिसप्रिंट है, ये 2015 होगा। तो एस ने स्पीकर जो कि 2015 में और 2017 में या 2019 में बेचे हैं उनकी संख्या सेम है, ओके तो ये हम सेम कर लेते हैं। आगे पढ़ते लिखा हुआ है टोटल नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड बाय पी इन ऑल गिवन थ्री इयर्स इज 680, कि पी ने टोटल जो मोबाइल बेचे हुए हैं उनका यहाँ पे नंबर दिया गया है कितना है 680। जैसे हमको दो पता चल जाए तो एक पता चल जाएगा। आगे हम कंडीशन लेते हैं, ये जो पैराग्राफ है ये तो ख़त्म हो जाता है, आगे हम कंडीशन लेते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि आपको साफ साफ दिखे। यहाँ पे द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड बाय पी इन 2015 एंड नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड बाय एस इन 2017 इज 31:26। कह रहे हैं कि पी ने जितने मोबाइल बेचे हैं 2015 में और एस ने 2017 में जितने मोबाइल बेचे हैं उनका रेशियो 31:26 है। तो जिस क्रम में दिया गया उसी क्रम में आप रेशियो को लिखेंगे। तो पी का यहाँ पे मोबाइल का डेटा दिया गया है 2015 का इस टू एस का यहाँ पे दिया गया मोबाइल का ही डेटा दिया गया है 2017 का, ओके ये कितना है 31:26। आगे लिखा हुआ है नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाय एस इन 2015। अब यहाँ पे नंबर ऑफ़ लैपटॉप्स की बात कर रहे हैं एस के लिए 2015 में कितने बेचे गए हैं, इस 60% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्पीकर सोल्ड इन बोथ 2015 एंड 19 बाई एस। कह रहे हैं कि उसकी संख्या कितनी है, 60% है किसकी, 2015 और 19 में एस ने जितने टोटल स्पीकर बेचे हैं, ओके तो एस ने जो स्पीकर बेचे हैं 2015 और 19 में उनको मिला लें और उसका 60% निकालें तो एल के लैपटॉप्स आ जाएंगे 2015 के। आगे लिखा हुआ है द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ़ लैपटॉप सोल्ड बाय पी, तो यहाँ पे रेशियो कह रहा है कि लैपटॉप्स जो कि पी ने बेचे हैं 2017 में और इसका रेशियो किससे है, एंड नंबर ऑफ़ लैपटॉप सोल्ड बाय एस इन 2017 और जो कि लैपटॉप्स बेचे गए हैं एस के द्वारा 2017 में ही उसका रेशियो कितना है, तो वो है 39:29 का। लिखा हुआ इन 2015 द नंबर ऑफ स्पीकर सोल्ड बाय पी इज 30 मोर देन द नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड बाय एस। कह रहे हैं कि यहाँ पे अगर 2015 की बात करें तो पी ने जितने स्पीकर बेचे हैं उनकी संख्या 34 ज़्यादा है जितने कि एस ने मोबाइल बेचे हैं, मतलब 2015 की ही बात यहाँ पे कर रहे हैं दोनों के लिए, ओके तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि पी ने जितने स्पीकर बेचे हैं तो पी के जो स्पीकर की संख्या है वो यहाँ पे एस के मोबाइल से कितना ज़्यादा है, 34 ज़्यादा है। आगे लिखा हुआ है एंड टोटल नंबर ऑफ स्पीकर सोल्ड बाय पी इन 2015 एंड टोटल नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड बाय एस इन 2015 इज 418। तो यहाँ पे अब आपको जैसे यहाँ पे कह सकते हैं एक डिफरेंस और एक आपको यहाँ पे सम दे दिया गया है कि यहाँ पे अब कह रहा है कि 2015 के ही लिए पी के स्पीकर जितने हैं मतलब जितना बेचा गया है और एस ने जितने मोबाइल बेचे हैं 2015 में उनका सम कितना है 418। आगे लिखा हुआ है द नंबर ऑफ स्पीकर सोल्ड बाय एस इन 2019 इज 9 मोर देन द नंबर ऑफ स्पीकर सोल्ड बाय पी इन 2015। अब यहाँ पे एस के स्पीकर की बात हो रही है कि एस के स्पीकर का नंबर क्या है और कौन से ईयर की बात हो रही है, तो ये हो रहा है 2019 की बात, 2019 में एस ने कितने स्पीकर बेचे हैं, तो कह रहा है कि जितने स्पीकर यहाँ पे पी ने बेचे हैं कब, 2015 में, उससे 9 ज़्यादा,
पता चल जाए तो आप उसमें नो ऐड कर दीजिए, ये पता चल जाएगा। टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स सोल्ड बाय बोथ द कंपनीज इन 2017 इज 1250। मतलब 2017 में तीनों, मतलब दोनों कंपनियों के ये तीनों तीनों प्रोडक्ट्स को ऐड करेंगे तो कह रहे हैं कि वो नंबर 1250 आएगा। तो 2017 का टोटल जो यहाँ पे आंकड़ा दिया गया है दोनों कंपनियों को मिला करके, वो दिया गया है कितना, 1250। नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड बाय पी इन 2019 इज 240। कह रहे हैं कि जितने मोबाइल बेचे हैं पी ने 2019 में उनकी संख्या कितनी है, तो वो दिया गया है 240। तो हम पी में आए मोबाइल 2019 में कितने बेचे हैं, 240, ये हमको पता चल गया। लेकिन इसके अलावा हमको और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। तो हम कहाँ से इस क्वेश्चन को स्टार्ट करें? तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट हम यहीं से कर सकते हैं कि अगर हम ए और बी का यहाँ पर नंबर निकाल लें तो हमको एक तो इन्फॉर्मेशन ये मिल गई, बाकी की और सारी इन्फॉर्मेशन भी हमको यहाँ पर प्राप्त हो सकती है। लेकिन यहाँ से एक इन्फॉर्मेशन आपको और मिल सकती है, जैसे मोबाइल की बात कर रहे हैं 2019 में कितने बेचे हैं पी ने, 240, तो हम यहाँ ये वाला नंबर भी निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि हमको 2019 का डेटा पता है कि मोबाइल टोटल 460 बिके थे, उसमें से 240 अगर पी ने बेचे हैं तो बाकी के बचे जो मोबाइल हैं, मतलब 220, वो किसने बेचे होंगे, एस ने बेचे होंगे। ओके, एक और हमको वैल्यू पता चली। अब हम आगे कहाँ बढ़ सकते हैं? आगे हम और किसी का निकाल सकते हैं? नहीं। लेकिन अगर ये नंबर पता चल जाए तो हम यहाँ पे एस के लैपटॉप्स की संख्या भी निकाल सकते हैं, अगर हमको बी की वैल्यू पता चल जाए। कैसे पता चलेगी ये? तो हमको पता यहीं से चलेगी जो हम यहाँ बीच वाली वैल्यू देख रहे हैं इसको, कि आपको पता है कि ये जो नंबर है यहाँ पर, ये तो सेम होगा, उसके रेशियोज़ अलग अलग हैं। इसका मतलब इनके जो रेशियोज़ या फिर ये जो 39A है और ये 13B है, ये किसी एक ही नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो 13B है ये 39A के बराबर है। 13 से हम काटें तो ये हमको पता चल जाता है क्या, कि B की वैल्यू किसके बराबर है, 3A के बराबर है। ये हमको अभी रेशियो में ही वैल्यू पता चली है कि B की वैल्यू 3A के बराबर है। अब आगे हम कैसे बढ़ेंगे? तो आगे हम बढ़ सकते हैं पहली कंडीशन का यूज़ करके। पहली कंडीशन कहती है कि पी ने कितने लैपटॉप बेचे हैं 2015 में। तो अगर हम पी के लैपटॉप देखें 2015 कितने हैं, तो वो हैं 15B, इतने लैपटॉप बेचे हुए हैं। नंबर नहीं पता है, ऐसे पता है रेशियो के यहाँ पे वेरिएबल के साथ मल्टीपल होकर के। उसके बाद क्या कह रहा है कि पी ने कितने स्पीकर बेचे हैं। ओके, तो ये स्पीकर की जो वैल्यू है ये कब की दी गई है, यहाँ पर देखिए वैल्यू लिखना भूल गए, हम पीछे जा कर के देख सकते हैं। तो ये दिया गया है पी ने कितने बेचे हैं 2017, 24 ज़्यादा है 2017 का। ओके, तो 2017 की बात हो रही है, तो 2017 में स्पीकर की संख्या कितनी है, तो ये 41A है। 41A, ये क्या कह रहा है कि इससे 24 ज़्यादा है। अब अगर हम बी की वैल्यू यहाँ पे रख दें क्या, 3A, तो ये कितना हो जाएगा, 15 × 3 = 45 है। ये 45A इज इक्वल टू 41A प्लस में कितना हो गया, 24। ये इधर आ जाएगा, 41 में से 45 घटेगा, कितना बचेगा, 4A इज इक्वल टू क्या हो गया, 24। कैंसिल आउट कर लीजिए, A की वैल्यू कितनी आ गई, 6। तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 18। ओके, इस वाले में रख करके तो आपको A और B दोनों की वैल्यूज़ यहाँ से पता चल गई। अब आप A और B की वैल्यूज़ को यहाँ पर रिप्लेस कर लीजिए और आपको क्या पता चल जाएगा कि यहाँ के नंबर कितने हैं। ओके, अब हम A की वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं, 32 × 2 में 6 कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, तो 6 × 3 = 180 प्लस 12 = 192, तो इसको हम यहाँ पे 192 लिख सकते हैं। फिर इसी तरह ए की वैल्यू हम चाहे यहाँ पे रख दें 39 × 6 कर दें, या तो 13 × बी की वैल्यू रख दीजिए 18, क्योंकि दोनों से आपको सेम ही वैल्यू प्राप्त होगी। तो अगर हम इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, मान लीजिए 40 होगा, 6 × 6 = 24 होगा, मतलब 240, लेकिन यहाँ पे 6 आपको घटा लेना है, तो ये कितना हो जाएगा, 234। ओके, इसी तरह हम आगे बढ़ें, 41 में A का मल्टीप्लाई करें, मतलब 6 का मल्टीप्लाई करें, तो कितना हो जाएगा, 6 × 4, 246 हो गया। फिर B की वैल्यू हम यहाँ पे रख दें 18 की, तो ये कितना हो जाएगा, 18 × 5 = 90 होता है, और 180 में 90 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 270। फिर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 में, तो आसान है, 198 हो गया। ओके, तो ये वैल्यूज़ आपको यहाँ से मिल जाती हैं, 192, 270, 234, 198, 246, 240 और ये यहाँ पे 220, इतनी वैल्यूज़ अभी तक मिली। तो इसको मैं थोड़ा सा साफ साफ लिख दूँ, ज़्यादा यहाँ पे वरना कन्फ्यूज़न होगी आपको। तो ये वैल्यू आपको जब पता चलती है तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, जैसे आप एक तो ये निकाल सकते हैं एस ने कितने लैपटॉप बेचे हैं 2019 में, क्योंकि इसका
टोटल डेटा दिया गया है कि ये 380 लैपटॉप बेचे हैं, तो 198 अगर यहाँ पे आ गया, दो ऐड करूँगा तो 200 हो जाएगा, 180 और ऐड करूँगा तो ये 380 हो जाएगा, मतलब 182 लैपटॉप बेचे हैं एस ने। ओके, स्पीकर की बात करें तो स्पीकर की संख्या यहाँ से निकल के नहीं आ सकती है। और हम क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे एस के स्पीकर 2015-19 में सेम है तो यहाँ पे दिया नहीं है। फिर टोटल मोबाइल की संख्या कह रहा है कि 680 है, तो हाँ यहाँ से अब ये देख सकते हैं कि यहाँ पे टोटल मोबाइल की संख्या 680 दी गई है पी के लिए। तो इन दोनों वैल्यूज़ को हम ऐड कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, 2 1 300 और ये 9 4 13 132, तो 300 और 132 432, 680 में से हम 432 घटा लें, ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये कितना बचेगा, 4 बचेगा, और यहाँ पे 6 में से 4 जाएगा, 2 आएगा, तो कितना गया, 248 ये वैल्यू आपको प्राप्त हो गई। ओके, अब बाकी की और वैल्यूज़ कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसी तरह हम कंडीशन को देखें कि पी ने 2015 में जो मोबाइल बेचे हैं एस के 2017 के मोबाइल से, उनका रेशियो गिवन है कितना, 31:26 का रेशियो ये गिवन है। तो यहाँ से हमको ये पता चल सकता है, क्योंकि हमको यहाँ पे पी की वैल्यू पता है कि पी ने कितने मोबाइल बेचे हैं 2015 में, तो हम एस की वैल्यू निकाल सकते हैं, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। एक काम करता हूँ, यहाँ की जो वैल्यूज़ हैं इनको मैं हटा देता हूँ, इनका कैलकुलेशन तो हो चुका है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू इसकी कैसे निकाल सकते हैं कि पी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, तो ये है 248। ओके, अब 248 अगर ये आती है वैल्यू, तो हम क्या करें कि यहाँ पे जो भी नंबर आपको निकालना है, जैसे रेशियो दिया गया है ना 31:26 का, तो जो वैल्यू आपको निकालनी है उसको तो आप कैसे लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। ओके, 26 अपॉन में नीचे जो वैल्यू आपको गिवन है, मतलब 31। अब आप इसको देखिए ये कितनी बार में जाता है, अगर ये कैंसिल आउट हो जाता है आपका पूरा पूरा, तो आप आसानी से इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो देखिए 31 से आप डायरेक्ट इसको काट सकते हैं, 8 बार में कट जाएगा, 8 1 8 8 3 24। अब 8 से मल्टीप्लाई करिए, ये कितना हो जाएगा, 8 6 48 हो जाएगा, 8 2 16 और 4 कितना हो जाएगा, 20, मतलब कितना ही आएगी वैल्यू, 208। किसकी, एस ने जो मोबाइल 2017 में बेचा है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे आपको पता चल गया 208। अब आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या वैल्यू आपको पता है, जैसे एस ने लैपटॉप कितना बेचा है तो उसकी वैल्यू इसके स्पीकर से निर्धारित होती है, तो वो तो यहाँ पे है नहीं, तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे, तो नहीं बढ़ सकते। आगे देखते हैं, पी के लैपटॉप जो कि 2017 में बेचे गए और एस ने जो लैपटॉप 2017 में बेचे हैं उसका रेशियो गिवन है, तो पी का लैपटॉप तो निकल गया ना 234, तो एस का लैपटॉप भी इसी तरह निकल जाएगा जैसे हमने यहाँ पे निकाला है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 234 इनटू में यहाँ पे रेशियो किसका निकालना है, एस का निकालना है, तो ये 29/39। ओके, अब ये कितनी बार में कट जाएगा देखिए, तो ये अगर यहाँ पे 40 होगा तो 40 और 6 बार में पूरा कट जाएगा, 240 होगा, एक कम है, मतलब यहाँ भी देखिए 6 कम है, तो ये 6 बार में कट जाएगा, और 29 गुणे में अगर हम 6 करते हैं, अगर ये 30 होता तो कितना हो जाता, तो ये हो जाता 30 छंग ये आपका 180 होता, लेकिन यहाँ पे एक वैल्यू जो है ये इसकी कम है, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 174। ओके, तो ये जो 174 वैल्यू आई है ये यहाँ पे आएगी एस के लैपटॉप जो 2017 में बेचे गए हैं। बाकी हम इसी तरह देखें, जैसे 2015 की वैल्यू आपको दी गई है कि पी और एस का यहाँ पे दिया गया है, स्पीकर और मोबाइल की वैल्यू दी गई है, और फिर यहाँ पे इसको ऐड करके दिया गया है, तो अगर इन दो इक्वेशंस को लेकर के हम ऐसे सॉल्व करें, तो देखिए हम कर सकते हैं कि पी जो स्पीकर बेचता है और जो मोबाइल बेचता है उसकी वैल्यू कितनी है, 34 यहाँ पे डिफरेंस करके, अगर हम इसको इधर लेकर के जाएं और अगर हम इसको ऐड कर लें जैसा दिया गया है, तो ये वैल्यू कितनी आती है, 418। ओके, अगर हम इसको ऐड करें तो ये कट जाएगा, ये 2PSP होगा, और इसको ऐड करिए 34, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 452। ओके, दो से कट करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 2 2 4 2 3 4 2 6 12, 226। तो पी जो यहाँ पे स्पीकर बेच रहा है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, और ये 2015 की बात हो रही है जैसा कि यहाँ पे लिखा है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 226। ओके, इसके साथ साथ आपको क्या पता चल जाएगा कि अगर आपको ये 226 पता है, तो ये पता है कि ये जो है वैल्यू है ये 34 इसमें से घटाएंगे, तो हमको एस जो मोबाइल बेच रहा है उसकी वैल्यू पता चले, क्योंकि इससे 34 ज़्यादा है स्पीकर की वैल्यू, तो हम 226 में से 34 घटा लें, 34 ये 2 हो जाएगा, यहाँ पे 9 ये कितना गया, 192, ये वैल्यू आ गई 192। अब बाकी और क्या बचा, यहाँ पे देखते हैं, कह रहा है कि जो एस स्पीकर बेचता है 2019 में, उसकी जो संख्या है वो 2015 में जो स्पीकर बेच रहा है पी उससे 9 अधिक है,
तो 2015 में इसकी संख्या मिल गई कितनी, 226, इसमें 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 235, तो ये आ गया 235। ये 235 आ जाएगा तो ये वाला इक्वेशन देखिए क्या कहता है कि दोनों के नंबर सेम है, तो ये भी ऊपर वाला 235 आ जाएगा। आगे और यहाँ पे और क्या वैल्यूज़ आप ऐड कर सकते हैं, अच्छा यहाँ से आप ये निकाल सकते हैं कि पी ने कितने स्पीकर बेचे हैं। अब कैसे निकाल सकते हैं इसको, तो इसको निकालने के लिए आपको करना ये है कि आप देखिए टोटल स्पीकर की संख्या कितनी है, 445, 445 स्पीकर हैं और यहाँ पे कितने स्पीकर आपको गिवन हैं, तो ये इसकी संख्या दी है 235, तो 445 में से 235 आप घटा दीजिए, ये कितना आ जाएगा, 210। ओके, तो ये वैल्यू आपको पता चल गई कितनी आ गई, 210। बाकी और देखिए क्या गिवन है आपको यहाँ पे, मतलब और कौन कौन से इक्वेशन है जिसका यूज आपने नहीं किया। अच्छा एक अब आपको ये भी पता चल जाएगा कि एस ने कितने लैपटॉप बेचे हैं, आपको 2019 और 2015 की दोनों वैल्यूज़ देखिए कितनी है, तो ये 235 470 आ गया। अब आपको 470 का 60% निकालना है, ये तो आसान है, ओके आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं। तो इसका 50% कितना जाएगा, तो ये हो जाएगा 235 और आपको इसमें 10% वैल्यू 470 है इसका 47 आप और ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 7 और 5 12, 4 3 7 1 8 और ये कितना हो जाएगा 2, कितना आ जाएगा 282, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 282। अब एक ही वैल्यू बाकी है यहाँ पे जो कि आपको आखिरी वाले से पता चल सकता है कि 2017 में टोटल जो बेचे गए आइटम्स हैं उनका टोटल कितना है 1250, तो आपको सारा ऐड करना होगा, 1250 में से घटाना होगा। तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं 4 2 6 6 6 12, 12 और 8 कितना हो जाएगा 20 और 4 कितना हो जाएगा 24, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1250 यहाँ पे लिख लूँ जिसमें से घटाना है, बाकी वैल्यूज़ थोड़ा हटा देता हूँ जिनका यूज़ नहीं है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 24, तो ये आ गया 4, दो बचेगा 9 2 11, 11 और 3 14, 14 और 4 कितना हो जाएगा 18, 18 में आप 7 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 25, तो ये आ गया 5, 2 बचा 2 1 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 1 10, कितना आ गया 1054, घटाइए इसमें से ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ पे 14 में से 5 जाएगा, तो यहाँ पे 14 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 9 बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा, कितना आ गया 196, ये आ गया 196। तो सारी जो वैल्यूज़ हैं ये आपकी अभी तक निकल के आई हैं इतने पूरे इक्वेशंस का यूज करके, अब इसके ऊपर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओके तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस कैसे होंगे। इसमें जो केसलेट्स रहते हैं उसमें यही रहता है कि यहाँ पे अगर टाइम आपको लगता है तो फिर क्वेश्चंस थोड़ा आसान हो जाते हैं। अगर हम क्वेश्चंस पे चलें तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रेशियो बिटवीन स्पीकर सोल्ड बाय पी इन 2015। पी ने में 2015 में कितने स्पीकर बेचे थे, 226, ओके 226, एंड लैपटॉप सोल्ड बाय एस इन 2017। लैपटॉप जो कि 2017 में एस ने बेचे थे, तो एस ने लैपटॉप कितने बेचे थे, 174 डिवाइडेड बाय 174। बस आपको रेशियो बताना है, दो से काटिए, दो एक कम दो, दो एक कम दो, दो तीन छः, और ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 8 16, 2 7 14, कितना आ गया 113:87। कौन सा वाला ऑप्शन सही है इसका, थर्ड वाला 113:87। अगला सवाल है, हाउ मेनी स्पीकर्स आर सोल्ड बाय एस इन 2017। 2017 में एस ने कितने स्पीकर बेचे थे, तो ये देखिए जो हमने सबसे आखिरी वैल्यू निकाली कितनी है 196, सेकेंड वाला जो ऑप्शन है ये इसका करेक्ट है। फाइंड टोटल नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड बाय एस इन ऑल थ्री ईयर्स, आपको बताना है एस ने टोटल कितने मोबाइल बेचे हैं तीनों साल को मिला करके, तो 8 और 2 कितना आ गया 10 हो गया, फिर यहाँ पे कितना हो गया 9 2 11 1 12 हो गया, देखिए आखिरी में 20 किसी के है, तो 20 पाँचवें वाले में है, तो यही इसका सही ऑप्शन, क्योंकि नन ऑफ दिस वाला ऑप्शन तो है नहीं, तो यही इसका सही आंसर होगा। बाकी आप जोड़ सकते हैं 2 2 4 1 5 और 1 6, 620। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाय पी एंड टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाय एस इन ऑल थ्री ईयर्स, आपको बताना है कि पी ने जितने लैपटॉप बेचे हैं तीनों साल को मिलाकर के, एस ने जितने लैपटॉप बेचे हैं तीनों साल को मिलाकर, उनका डिफरेंस क्या है। तो आप इनको तीनों को ऐड करके सीधे घटा सकते हैं या तो आप इंडिविजुअल यहाँ पर डिफरेंस लेकर के देख सकते हैं, बस आपको साइन का ध्यान रखना होगा। जैसे आप पी में से एस को घटा रहे हैं तो जो साइन आएगा उसका ध्यान रखिए, जैसे 270 है यहाँ पर 282 है, तो ये कितना जाएगा, ये -12 आ जाएगा। 234 है, ये कितना है 174 है, तो ये ज़्यादा है, तो ये कितना ज़्यादा है, तो देखिए 7 6 13 60 आ जाएगा। 198 182, तो ये कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। 60 और 16 कितना हो जाएगा 76, 76 में से 12 घटाएंगे कितना आ जाएगा 64, तो इसका सही ऑप्शन
पहला वाला है 64। अगला सवाल है, टोटल नंबर ऑफ स्पीकर सोल्ड बाय पी इन ऑल थ्री इयर्स इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द टोटल नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड बाय एस इन ऑल थ्री इयर्स। और आपको अप्रॉक्स में बताना है किसका सही आंसर क्या है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूँ। वैसे तो क्वेश्चन आसान है, कुछ करना नहीं, आपको सारे डेटा यहाँ पे गिवन है, बस आपको व्हाट परसेंट मोर और लेस वाला जो कॉन्सेप्ट है वो लगा करके इसका सही आंसर निकालना है। अप्रॉक्सीमेटली नियर बाई कौन सा आंसर इसका सही है। तो अगर आपके आंसर सही आ रहे हैं या फिर आपने इसका निकाला है तो आप इसको कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि अगला जो यहाँ पे DI का वीडियो मैं बनाऊँगा उसमें जितने लोगों के सही आंसर होंगे उनको मैं यहाँ पर फीचर करूंगा, उनका नाम दिखाऊंगा कि आपने सही आंसर निकाला है। तो आपको आंसर पता है या फिर आपने निकाला है तो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। तो ये था एक बहुत ही अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग पैराग्राफ DI का क्वेश्चन। इस तरह के DI की आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको एग्ज़ाम में जो DI पूछे जाते हैं थोड़ा आसान लगते हैं। वैसे क्लर्क की बात करूँ तो इतना टफ DI आपके प्री में तो नहीं पूछा जा सकता है, क्योंकि टाइम बहुत आपका कम रहेगा, लेकिन मेंस के लिए आप ऐसे DI की प्रैक्टिस ज़रूर करिए। और आपको पता है जो भी मेरिट बननी है मेंस से ही बननी है, उसी का नंबर जुड़ता है। तो आप चाहते हैं इस तरह की DI और मैं आपके सामने लेकर के आऊँ, तो आप इस तरह की जो वीडियो मैं बना रहा हूँ उसको लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।